नमस्कार, मैं हूं अनुराधापुर और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। आज के इस खास कार्यक्रम धर्म और ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य पंडित रमेश सेमवाल, जो हमें बताएंगे कि जीवन को और बेहतर कैसे बनाएं। अगर आप भी अपने जीवन के अंदर परिश्रम कर करके थक गए हैं और आप भी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जो लोग भटके हुए हैं उनको राह दिखाने का कार्य करता है हमारा ये कार्यक्रम। इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे आज हमारे संवाददाता हर्ष हसीन ज्योतिषाचार्य पंडित रमेश सेमवाल के साथ। फिर एक बार आपका स्वागत है धर्म और ज्ञान में, और हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी। आइए जानते हैं कि जो पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि जो ग्रहों की जो हमारे जीवन में दशा होती है, किस तरह से हम लोग भटक जाते हैं और कहीं ना कहीं बीमारी का कारक होते हैं, उसी का आज इस कार्यक्रम के माध्यम से निवारण बताएंगे। हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी, जो आपको बताएंगे पिछले एपिसोड में जो बताया था कि राहु की जो दशा अगर जीवन में पड़ जाए और शनि की दशा पड़ जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं, लंबी बीमारियां चलती हैं, उनका उपाय इस एपिसोड के माध्यम से हम जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जैसा हमारे हर्ष हसीन जी ने आपको अभी बताया कि जो पहले एपिसोड में हमने बताया था उन ग्रहों का उपाय क्या है, अगर हमें बीमारी हो जाए, कष्ट हो जाए, दुख हो जाए, क्लेश हो जाए, उसका उपाय क्या है। पहले तो मैं आज के युवाओं के लिए पहले संदेश देना चाहता हूं, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तो हमारे यहाँ युवा शक्ति जो है, एक तो प्रातःकाल उठना प्रारंभ करते हुए, तो वैसे तो सबके लिए अच्छा है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। हमारे यहाँ कहा गया कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती कर्मोले गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। हमारे जीवन में तीन चीज, तीन शक्तियां समाहित हैं जो मुख्य हैं, भगवान विष्णु पालन करता, माँ लक्ष्मी धन की देवी और माँ सरस्वती ज्ञान की देवी। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास तर्क वितर्क करने की शक्ति है, तो आप पावरफुल आदमी हो जाएंगे। इसलिए मैं युवा शक्ति को कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो और आगे बढ़ो, अच्छा चिंतन करो और ये सोचो कि हमें आगे बढ़ना है, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छा करना है। तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो। स्वामी विवेकानंद को पढ़ने से आपको लगेगा कि हम अध्यात्म भारत के भी दर्शन कर रहे हैं और कर्म की शक्ति, दिव्य शक्ति का आनंद ले रहे हैं। उनको पढ़ने से आप उनके करीब जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए प्रत्येक युवा के यहाँ कि हमें आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, और तब तक मत बैठो जब तक लक्ष्य पूरा न कर लो। तो सबसे पहले मित्रों, मेरे साथियों, सूर्यदेव के लिए आप रविवार का व्रत करें। अगर कुंडली में सूर्यदेव अशुभ फल दे रहे हो तो रविवार का व्रत करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य नारायण को रोज अर्घ देना, प्रातःकाल जल्दी उठ जाना। प्रातःकाल उठ करके भगवान, पहले माता पिता को प्रणाम करें, फिर भगवान सूर्य की आराधना करें, दीपक जलाएं, सूर्य को जल देवें, रविवार का व्रत करें, रविवार को दान करें, मर्यादा में रहें, मर्यादा का पालन करें, और आपका चिंतन अच्छा होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव आपके जीवन में तेज देते हैं, सूर्यदेव आपको चरित्र देते हैं, सूर्यदेव आपको ऊर्जा देते हैं, सूर्यदेव अक्षय ऊर्जा के भंडार है। और सूर्यदेव की आराधना करने से आपके जीवन में राजयोग का निर्माण होगा, ऊर्जा मिलेगी, चरित्रिक ऊंचाइयों को आप छोएंगे, आत्मबल भी आपको सूर्य भगवान प्रदान करते हैं। चंद्रमा देव अगर कुंडली में अशुभ फल दे रहे हो, चंद्रमा के कारण बीमारियां हो रही हो, तो चंद्रदेव सोमवार का व्रत करें, चंद्रमा का नग्न मोती धारण करें, चंद्रमा का लिए सोमवार का दान करें और शांति रखें जीवन में, माता के चरणों को प्रणाम करें, तो चंद्रदेव आपके जीवन में अच्छा फल देंगे। चंद्रमा के मंत्रों का जाप कराइए, खुद कर सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत करिए, तो चंद्रदेव आपको अच्छा फल देने वाले हैं। मंगल देव, मंगल ऊर्जा, यानी हमारे अंदर तृतीय भाव पराक्रम, मंगल पराक्रम और बल कौन देता है? बल भी दो प्रकार के, एक बल है किसी को बचाना, एक बल है किसी को डुबाना। दो प्रकार के बल आपके अंदर हैं। तो हमारे अंदर सतोगुणी बल हो, ज्ञान का बल हो, धर्म का बल हो, उच्च आदर्श स्थापित करने का बल हो, तो हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा, हनुमान जी से दिव्य गुण सीखने चाहिए, सेवा का, समर्पण का भाव, दूसरे के लिए हम कैसे कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो हनुमान जी के पास जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हर मंगलवार को भगवान को प्रसाद चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए, सुंदरकांड का पाठ करिए, किसी गरीब की सहायता कीजिए,
तो मंगल देवता प्रसन्न होंगे, मंगलवार का आप व्रत कर सकते हैं। मंगलवार के लिए आप भगवान हनुमान जी को चोला वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं, तो हनुमान जी आपको अच्छा फल देने वाले हैं। जमीन संबंधी कार्य हो, भूमि भवन संबंधी कार्य हो, आपको बीमारी हो, सिर दर्द हो, तो सब मंगल देवता उसका निवारण सिर दर्द का भी कर देते हैं। माइग्रेन की समस्या हो, सिर का दर्द न जा रहा हो, तो मंगल देव आपके जीवन में अच्छा करने वाले हैं। बुध देव, बुध के लिए आप बुधवार के दिन माँ गौ को प्रणाम करिए, गौशाला जाइए, गौ को घास चारा खिलाइए, बुधवार के दिन किसी गरीब को भोजन खिला दीजिए, तो बुध देवता लेखन की शक्ति देंगे, वाणी की शक्ति देंगे, नसों की बीमारी और जो आपको चर्म रोग होता है तो बुध का भी उसमें योगदान होता है। तो बुध देवता की प्रार्थना करिए, विष्णु भगवान का दिन बुधवार, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। बृहस्पति देव यानी बृहस्पति माने ज्ञान देने वाले ग्रह, सम्मान देने वाले ग्रह, ग्रंथों को पढ़ो, गुरु के पास जाओ, रामचरितमानस का पाठ करो, भागवत गीता का अध्ययन मनन चिंतन करो, गुरुजनों के पास महापुरुषों के पास जाइए, आपका चिंतन अच्छा होगा हो जाएगा। बृहस्पतिवार को चने की दाल दान करिए, पीला वस्त्र दान करिए, बृहस्पतिवार के मंत्रों का जाप कराइए, गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर लीजिए। कॉलेज में जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरु के चरणों में जाना चाहिए, गुरु से अध्ययन मनन चिंतन करना चाहिए, पढ़ाई की ज्यादा आदत डालनी चाहिए, लिखने की पढ़ने की। जितना हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, बृहस्पति देव अच्छा फल देंगे। भागवत गीता का पाठ करेंगे, संस्कारों पर रहेंगे, जो भारत की संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं उन पर चलेंगे, तो बृहस्पति देव अच्छा फल देने वाले हैं। शुक्र देवता, शुक्र के लिए शुक्रवार का दान करिए, गौ माता की सेवा करिए, अपने पत्नी को सम्मान दीजिए, अपने कन्या को प्रणाम कीजिए, शुक्रदेव अच्छा फल देंगे। शुक्र के मंत्रों का जाप, शुक्र को किसी को खीर खिला देनी गौ माता को, तो शुक्रदेव आपको अच्छा फल देने वाले, क्योंकि शुक्र कुंडली में पत्नी का भी कारक होता है, शुक्र लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए, लक्ष्मी चालीसा पढ़िए। शनिदेव, शनिदेव जैसा कोई देता नहीं, शनिदेव जैसा कोई लेता नहीं, शनिदेव जैसा हंसाता नहीं, शनिदेव जैसा रुलाता नहीं। शनि सरस्वती से बिल्कुल परेशान ना हो, शनिदेव से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं, शनि न्यायाधीश हैं, शनि अच्छे पूरे कर्मों का फल देते हैं। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा कर्म करेगा उसको बुरा फल मिलेगा। बिना भोगे कर्मों के फलों का नाश नहीं होता, तो शनिदेव इस नक्षत्र मंडल में न्यायाधीश का पद उनको प्राप्त है। अगर हम गरीबों की सेवा करते हैं, मजदूरों का सेवा करते हैं, जो हमारे घर में कपड़े धोने आता है, पोछा लगाने आता है, हमारी मजदूरी करने आता है, हमारा ड्राइवर है, हमारे ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उनके वेतन अच्छे समय पर दीजिए, उन्हें वस्त्र दीजिए, शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। पीपल के पेड़ पे जाइए, पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है, पीपल की परिक्रमा करिए, पीपल पे तेल का दीपक जलाइए, शनिवार के व्रत करिए, आपको लाभ होने वाला है। जो मूक प्राणी हैं, मूक पशु पक्षी, उनको कुछ ना कुछ देते भोजन दे दो तो उसको आपको लाभ होने वाला। राव देव, राव क्योंकि रोग बड़ा कर देता है, शनि और राव शराबी भी बना देते हैं, नशाखोर में बना देते हैं, शनि और राव विचित्र स्थिति पैदा कर देते हैं। अगर कुंडली में अशुभ भाव में या अशुभ फल दे रहे हों, गोचर में भी अशुभ फल दे रहे हों, तो शनि और राव मिलकर के शराबी बना देंगे, जुआरी बना देंगे, अशुद्ध अपवित्र कामों की ओर हमें ले जाएंगे। इसलिए वैसे तो सारे ग्रह कुछ ना कुछ अशुभ फल देंगे, अगर नीच के होंगे, पाप ग्रहों के प्रभाव में होंगे तो अशुभ फल देने वाले हैं। तो इसलिए राव के लिए माँ सरस्वती की आराधना महत्वपूर्ण रहती है। मेरा शोध है कि रविवार के दिन आप सरस्वती माता का व्रत कीजिए, सरस्वती चालीसा पढ़िए, सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करिए और सरस्वती देवी की आराधना करने से आपका राव अच्छा फल देगा। राव के लिए आप बुधवार को दान कर सकते हैं। राव के लिए चरित्र ठीक रखना है, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। राव के मंत्रों का जाप करिए, भगवान शंकर का अभिषेक करिए, भगवान शंकर की आराधना करिए, तो आपका राव शांत हो जाएगा। केतुदेव के लिए मंगलदेव की आराधना कीजिए। केतुदेव मोक्ष के भी कारक हैं, केतु देवता अच्छा फल देने वाले भी हो जाते हैं, लेकिन केतु ऑपरेशन में भी भूमिका मंगल के साथ मिलकर निभाते हैं, इसलिए केतु के लिए मंगल का दान कीजिए, हनुमान जी की सेवा कीजिए, हनुमान जी के मंत्रों का जाप कराइए। तो जो हमारे सूर्य देव हैं, चंद्रमा देव हैं, मंगल देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव, शनिदेव, राव देव, केतुदेव, ये भगवान का स्वरूप है।
भगवान विष्णु ने कहा है कि मैं मनुष्यों के अच्छे बुरे कर्मों का फल देने के लिए ग्रह रूप में विराजमान हूं। तो सूर्य देव राम के अवतार, चंद्रमा देव विष्णु के अवतार, इसी प्रकार सारे देव परशुराम के अवतार, मत्स्य अवतार, ये सारे जो नगुरा देव हैं ये भगवान विष्णु के ही अवतार स्वरूप हैं, इसलिए ये ग्रहों के रूप में हैं, क्योंकि अच्छा और बुरा जो भी हम कर्म करते हैं ग्रह नक्षत्रों का हमारे ऊपर उनकी रश्मियों का प्रभाव पड़ता है। जैसे सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य अगर खराब होगा तो नौकरी नहीं लगेगी, सूर्य नीच का हो जाएगा तो नौकरी नहीं लगेगी, लगेगी तो रिश्वत में फंस जाएंगे, गलत काम हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, हृदय रोग हो जाएगा। तो इन सबके निवारण के लिए जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा उन्हें माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए, माँ कात्यायनी की पूजा करने से उनकी विवाह की बाधा दूर हो जाएगी। जिन बालकों का विवाह नहीं हो रहा उन्हें शुक्र देवता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शुक्र क्योंकि बालकों के लिए, पुरुषों के लिए शुक्र ही विवाह का कारक है, कन्या के लिए बृहस्पति कारक होता है। तो कात्यायनी देवी की आराधना करने से जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, पार्वती माता की पूजा करने से उनका विवाह संपन्न हो जाएगा, कात्यायनी माता की पूजा करने से उनका विवाह बाधा निवारण हो जाएगा। जिन बालकों का विवाह नहीं हो रहा शुक्र मंत्रों का जाप करिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, माँ लक्ष्मी उनको आशीर्वाद देगी, उनका विवाह में रुकावट दूर हो जाएगी। जिनका काल सर्प योग है कुंडली में या सूर्य राहु के साथ है, चंद्रमा राहु के साथ है, मंगल राहु के साथ, उनका निवारण है भगवान महामृत्युंजय की आराधना। अगर आपको ज्यादा ही कष्ट है, कैंसर रोग है, हृदय रोग है, ब्लड प्रेशर है, तो भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर का पूजन, महामृत्युंजय जाप, महामृत्युंजय पाठ, ये करने से आपके जीवन में शांति होने वाली है। ब्राह्मणों से कराइए, खुद भी करिए, आपका जीवन। देवी कवच का पाठ स्त्रियों को रोज घर में करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ रोज पढ़ना चाहिए, बालकों को विशेषकर जो आपके बच्चे हैं उनको अच्छे संस्कार देने के लिए, उनको रोग व्याधि जर पीड़ा न, भागवत गीता का पाठ जरूर आप कराइए, भागवत गीता का पाठ और हनुमान चालीसा, दो चीज ऐसी हैं, भागवत गीता और हनुमान चालीसा भारतीय संस्कृति की दिव्य महाग्रंथ जो भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई भागवत गीता, उसका पाठ करने से, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से जो बालक हैं वो यशस्वी बनेंगे, तेजस्वी बनेंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ अपने बालकों से, बालिकाओं से, छात्र छात्राओं से, स्कूल में भी होना चाहिए, घर पे भी होना चाहिए। हनुमान चालीसा का जो बालक बालिका पाठ करेंगे, गीता का पाठ करेंगे, उनको सारे रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान महामृत्युंजय की आराधना विशेष फलदायी है, इसलिए सभी लोग महामृत्युंजय का आराधना करें, चरित्र ठीक रखें, प्रातःकाल जल्दी उठें, माता पिता का सम्मान करें, गो गंगा गीता गायत्री गोपाल पर विश्वास करें, तो आपके सारे रोग शांत हो जाएंगे। भारतीय धर्म दर्शन संस्कृति में माता पिता गो गंगा गीता गायत्री का महत्व है। शुद्ध चरित्र, शुद्ध आचार, शुद्ध व्यवहार रखें, भगवान सभी रोगों से आपको मुक्त कर देगा। मैं आचार्य रमेश सहवाल आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और जैसा आपने सुना कार्यक्रम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष आचार्य पंडित रमेश सहवाल जी से कि जो उपाय हैं अपने जीवन के अंदर एक नई आध्यात्म तरीके से किस तरह से ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। विषय एक ये भी है कि जब हम जीवन के अंदर अलग अलग तरह के कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन, हमारे कार्य हमको विचलित कर देते हैं और अपनी सेहत पर हम खासकर ध्यान नहीं दे पाते। भाग दौड़ की ज़िंदगी के अंदर कैसे स्थिरता लाएँ, यही हमारा उद्देश्य है कि जनहित के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के अंदर आध्यात्म की ज्योति उत्पन्न करें और जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता चल जाएगा तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम के अंदर हम ऐसे चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगे पंडित रमेश सहवाल जी के माध्यम से कि वो आपके जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा कर सकें। यह हम सब लोगों का सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप घर बैठे उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हर्ष सिंह, नमस्कार। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। धन्यवाद।